बॉलीवुड में सलमा आगा वो अभिनेत्री रही जिनका करियर गायिका के चलते आगे बढ़ा। पहली ही फिल्म निकाह में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाकर सलमा रातों रात छा गईं। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश नागरिक रही। हालांकि साल 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। निकाह एक नायिका प्रधान फिल्म थी, इसलिए किसी स्टार एक्टर की बजाय दीपक पराशर और राज बब्बर जैसे नए एक्टर्स को इस फिल्म में मौका दिया गया। सलमा आगा एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में पारंगत थी। उनका एल्बम जब निकाह के संगीतकार रवि ने सुना तो उन्होंने इस फिल्म में सलमा से भी गवाने का निर्णय लिया। इस पिक्चर में भी सलमा ने अपने गाने खुद गाए थे। ये फिल्म बनकर तैयार हुई और 1982 में जब ये सिनेमा घरों में आई तो भूरी आंखों वाली इस अभिनेत्री की खूबसूरती और दिलकश आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म निकाह ने लोगों के बीच जमकर चर्चा बटोरी। पति को बेहद चाहने वाली और उसकी बेरुखी से परेशान पत्नी का रोल सलमा ने बेहतरीन तरीके से निभाया था। सलमा ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर पेश किया जो एक्टिंग के साथ बेहतरीन सिंगिंग भी कर सकती थी। फिल्म की कहानी के साथ ही इसके गाने भी खूब हिट हुए। अपनी दिलकश और दर्द भरी आवाज से सलमा लोगों के दिलों जहां पर पूरी तरह छा गई थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द और जादू था जिसे सुनकर आज भी महसूस किया जा सकता है। निकाह में बेहतरीन अभिनय के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला, जबकि बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी उन्हें मिला। निकाह फिल्म की कामयाबी ने ही सलमा को डिमांडिंग मटेरियल बना दिया। उनके पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने कई फिल्में साइन की। उन्होंने मुंबई में बसने का इरादा भी कर लिया। पहली फिल्म से मिली सफलता के बाद सलमा एक के बाद एक गलतियां करती चली गई, जिसके चलते वो ना तो निर्माता निर्देशक की उम्मीदों पर खरी उतरी और ना ही दर्शकों के। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वही थी। जिंदगी में जब उनको अपने करियर पर ध्यान देना था तब वो इश्क के चक्कर में ऐसी उलझी कि बॉलीवुड के लोगों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सलमा अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही थी। हुआ कुछ यूं कि न्यूयॉर्क के एक व्यापारी महमूद शिप्रा सलमा के दीवाने थे। वो सलमा को अपनी बेगम बनाना चाहते थे, इसलिए प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने सलमा को लेकर बेगम साहिबा और बेबसी नाम से फिल्में बनानी शुरू कर दी। उनके इश्क के चक्कर में सलमा कई अच्छी फिल्मों के ऑफर ठुकराती चली गई। इसके बाद तो बॉलीवुड के तमाम निर्माता निर्देशकों ने सलमा के नाम पर गौर करना बंद कर दिया। इधर महमूद ने जो फिल्में सलमा के लिए बनानी शुरू की थी वो आधी भी नहीं बन पाई थी कि इश्क का बुखार उतरने लगा और दोनों अलग हो गए। निकाह के बाद सलमा ने बी सुभाष की कसम पैदा करने वाले की थी। सुभाष इसके पहले डिस्को डांसर जैसे हिट फिल्म बना चुके थे। सलमा ने इस फिल्म में निकाह से एकदम अलग रोल निभाया। उन्होंने इस फिल्म में गाने भी गाए और वेस्टर्न स्टाइल में मिथुन के साथ डांस भी किया, जिनमें वो बिल्कुल मिस फिट नजर आई और उनकी एक्टिंग भी इस फिल्म के हिसाब से अच्छी नहीं रही। इसके बाद 1985 में आई उनकी दो फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही, जिसमें पहली राजेश खन्ना के साथ ऊंचे लोग और दूसरी राज बब्बर के साथ सलमा थी। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग की कलाई भी खुल गई। अब वो कुछ चुनिंदा रोलों के लिए ही फिट समझी जाने लगी थी। जहाँ तक उनकी सिंगिंग का सवाल था, उनकी आवाज सिर्फ उन पर ही सूट होती थी, लिहाजा प्लेबैक सिंगिंग में भी उनका दायरा सीमित था। इस वक्त तक सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। इस दौरान सलमा ने जावेद शेख से शादी कर ली, जिसके बाद बची हुई संभावनाएं भी खत्म होने लगी। भारत में अपना करियर डगमगाता देख उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन कर ली। इस बीच उन्होंने एक पंजाबी फिल्म भाभी दी छोरिया में भी काम किया। बॉलीवुड में अपने फिसलते करियर को संभालने के लिए उन्होंने 1988 में जंगल की बेटी जैसी सी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें उन्होंने जमकर एक्सपोज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच उनकी कुछ और फिल्में भी आईं, जिसमें 1990 में आई पति पत्नी और तवायफ और 1991 में मीत मेरे मन की आई, जो फ्लॉप रही। सलमा आगा के नाना जुगल किशोर राज कपूर के सगे मामा थे, इस लिहाज से सलमा की मां नसरीन आगा राज कपूर की बहन लगती थी। सलमा ने बताया था कि राज कपूर उन्हें फिल्म हीना से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उनकी नानी फिल्मों में काम करने के खिलाफ थी।
नानी ने राज कपूर से कहा था कि कोई निर्माता उन्हें मौका ना दे, इसी वजह से सलमा को काम मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। सलमा के मुताबिक उन्हें फिल्म निकाह इत्तेफाक से मिली थी। वो नौशाद साहब के घर एक गाने के सिलसिले में पहुंची थी। यहीं पर उनकी मुलाकात बीआर चोपड़ा से हुई, जो उस समय फिल्म तलाक 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 बना रहे थे। चोपड़ा साहब को सलमा की आवाज पसंद आई और वहीं उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया। इसी फिल्म का नाम विवादों के बाद बदल कर निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद सलमा ने कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे की वजह सलमा फिल्मों का ठीक से चुनाव ना करना मानती थी। आखिरी बार सलमा साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थी। सलमा का ना तो करियर ठीक चल रहा था और ना ही निजी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर थी। अपने पहले पति से उनका रिश्ता लंबा नहीं चला और सलमा ने जावेद शेख से तलाक ले लिया। इसके बाद वो स्क्वैश प्लेयर रहमत खान के साथ रिलेशनशिप में आई। रहमत खान लंदन में सलमा आगा के पड़ोसी हुआ करते थे। सलमा की माँ उन्हें बहुत पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की दूसरी शादी रहमत खान से करा दी। दोनों के दो बच्चे साशा और लियाकत अली हुए। दोनों का रिश्ता 10 साल तक चला। उसके बाद रहमत खान ने किसी और लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। दो बच्चे और 57 साल की उम्र में साल 2011 में सलमा आगा ने तीसरी बार शादी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से की। सलमा कभी भी अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाई, कभी वो भारत में होती तो कभी पाकिस्तान में। इसी बीच में शादी और तलाक का दौर भी चलता रहा, जिसका असर उनके करियर पर पड़ना ही था। हिंदी के अलावा सलमा ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। आखिरी बार वो साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, लेकिन उन्होंने अपना सिंगिंग करियर नहीं छोड़ा। भारत के अलावा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिल्मों के लिए भी गाती रहीं। सरकार ने सलमा आगा को सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड दिया। उन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। सलमा आगा अब एक फिल्म मेकर है। वो महिलाओं पर आधारित मुद्दों पर फिल्में बनाती हैं। उनके पति मंजर शाह दुबई में रहते हैं, जबकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं। उनकी बेटी साशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री की। सलमा हिंदी सिनेमा में बिजली की तरह चमकी जरूर, लेकिन उनका करियर काफी छोटा रहा। एक सिंगर के तौर पर वो ज्यादा शोहरत कमा सकती थी, लेकिन हीरोइन बनने की जिद में वो सिंगिंग करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।